Hello to everyone, welcome back to my channel. Today question is write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign between the fractions. हमें इन शेडेड पोर्शन की जो फ्रैक्शन है इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग साइन और इक्वल साइन को यूज करके. सबसे पहले तो हम रूल लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन लिखने का क्या रूल है. फ्रैक्शन के लिए रूल होता है कि शेडेड पार्ट के जितने भी पोर्शन है उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड नीचे हम लिख देंगे टोटल. तो फर्स्ट जो हमारे पास है ए पार्ट में, फर्स्ट में 3 शेडेड पार्ट है, 4, 5, 6, 7, 8 जो है टोटल पार्ट. नेक्स्ट इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है शेडेड पार्ट अपॉन 8. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 अपॉन 8, 1 अपॉन 8. तो इस नॉमिनेटर आपने चेक करना है कि वो सेम होना चाहिए. तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या तो हम इसको पहले डिसेंडिंग में लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले सबसे छोटा, ये जो अगर न्यूमिनेटर जो है उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन 8 छोटा है, उसके बाद 3 अपॉन 8 बड़ा, उसके बाद 3 अपॉन 8 से बड़ा है 6 अपॉन 8, 4 अपॉन 8, देन 6 अपॉन 8. तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अपॉन 9, 1, 2, 3, 4, 4 अपॉन 9, 1, 2, 3, 3 अपॉन 9, और यहाँ पे 6 अपॉन 9. तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 9, 4 अपॉन 9, 6 अपॉन 9 एंड 8 अपॉन 9. नेक्स्ट है शो डेट 2 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 6 ऑन नंबर लाइन. पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन दीज फ्रैक्शंस. इनको नंबर लाइन पे यूज करना है हमें. तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे 0 अपॉन 6, क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 6 हैं. तो हम इसको 6 से स्टार्ट करेंगे. 1 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, 6 अपॉन 6, यहाँ पे बीच में 5 अपॉन 6, 7, फिर 8 अपॉन 6. तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको शो करना है. तो फर्स्ट है 2 अपॉन 6, उसके बाद है 4 अपॉन 6, उसके बाद है 8 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 6. नेक्स्ट हमें इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है. तो 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 5 वाला. डिनोमिनेटर हमने चेक करना है कि सेम होने चाहिए. तो इसके नीचे अगर 0 के नीचे डिनोमिनेटर लगा देंगे सेम ही रहेगा. तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 6, यहाँ पे 6 अपॉन 6 एंड 8 अपॉन 6. थैंक यू.